फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आज आप लोगों का पढ़ाने वाला हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल बेब्स क्लासेस, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस ले लेते हैं कि ए प्लस बी कंबाइन होकर अगर सी प्लस डी, तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस में इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर बोला जाए कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। बैलेंसिंग हमको करना है, इसको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं लाइबोजियर, बोलते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होता है मास ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। या इसको दूसरा वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स होगा उतना ही नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स का होना चाहिए उतना प्रोडक्ट्स होना चाहिए। बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। और अगर सेकेंड वर्ड अगर हम लोग देखें एक तरीका से कि मास अगर जितना भी हम लोग ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो किलो शुगर में अगर 4 kg वाटर ऐड करते हैं तो टोटल मिलाकर 6 kg होता है, तो 6 kg होगा ही, ना कि उससे ऊपर हो जाएगा और ना ही उससे कम होगा। अगर कंटेनर क्लोज है तो मास दोनों का क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इसीलिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आज इसको हम लोग बैलेंस करने का बहुत ही अच्छा मेथड सीखेंगे, जिसमें दो मेथड सीखेंगे। एक सीखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड्स, एक सीखेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड्स। पहला ये होगा जो कि हर बुक में दिया होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड्स। तो इस मेथड से हम लोग पहले सबसे पहले बैलेंस करना सीखेंगे। और दूसरा मेथड सीखेंगे ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स। हाँ, हीट एंड ट्रायल कभी कभी होता है कि कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते जाता है और बहुत ज़्यादा उसका लेवल जो होता है बढ़ता जाता है, बैलेंसिंग करना दिक्कत होता है। तो उसके बाद हम लोग ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड से बैलेंस करेंगे। इससे क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इजिली बैलेंस कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स होगा नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको हम इजिली हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहला मेथड हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड्स। तो इस मेथड से सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे हम लोग एक रिएक्शंस ले लेते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल्स जो कि हर बुक में मिल जाता है, Fe is equal to H2O। अगर ये रिएक्ट करके Fe4O3 देता है और बदले में अगर हाइड्रोजन गैस देता है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने का तरीका हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड्स ये बोलता है कि जो जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो, जिस कंपाउंड्स में नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसमें है आयरन और इसमें केवल हाइड्रोजन है। तो हमको बैलेंसिंग करने वक्त हमको ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट्स ज़्यादा है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन देख लेते हैं, टू है ठीक है, फिर से यहाँ 4 है और ये 4 है, ऑक्सीजन से यहाँ 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 1 है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या, 3, और देखेंगे कि ऑक्सीजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन में 3 कभी भी हम लोग लेफ्ट साइड लगाते हैं, जो भी कंपाउंड्स होता है उस कंपाउंड्स का लेफ्ट साइड में लगाते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। कभी भी हम लोग लेफ्ट साइड में लगाते हैं बैलेंसिंग करने को। और इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो गया, इधर 3 भी हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन्स को और आयरन को, जो कि इजीली बैलेंस हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन्स को हम लोग बैलेंस करें तो देख ले हाइड्रोजन से यहाँ कितना हो गया, 3 2 6,
और यहाँ पर कितना है, टू है, तो यहाँ पर हम लोग थ्री दे दें तो हाइड्रोजन्स में क्या हो गया, इजिली बैलेंस हो गया। अब लास्ट हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, आयरन को। आयरन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखते हैं फोर है और इधर क्या है वन है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे फोर, तो Fe बैलेंस हो गया मेरा। Fe इक्वल टू इधर कितना हो गया, फोर हो गया, इस साइड में कितना आ गया, फोर हो गया। अगर Fe हाइड्रोजन्स को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन्स इधर कितना है, सिक्स है, इधर भी हाइड्रोजन्स थ्री टू जा सिक्स है, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जाए थ्री है और इधर भी ऑक्सीजन्स थ्री वन जा थ्री है, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगर हम लोग और भी लेते हैं, जैसे कि हम लोग और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए CO2 प्लस H2O कंबाइन होकर अगर C6H12O6 देता है और बदले में ऑक्सीजन गैस देता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं। ये प्रोसेस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है जिसमें प्लांट अपना फूड को बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, इसको हम लोग ग्लूकोज जनरली बोलते हैं, ये ग्लूकोज है। तो अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज को बनाने का तरीका है कि प्लांट्स ग्लूकोज को कैसे बनाता है, तो इसमें भी बैलेंस करने का वही तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, सबसे पहले हम देखेंगे किसको बैलेंस करेंगे। इसमें वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स है, अगर इसमें देखा जाए तो टू एलिमेंट्स और इसमें भी टू एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम इसका बैलेंसिंग का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, सिक्स है, इधर कार्बन कितना है, वन है, तो यहाँ पर दे देंगे सिक्स, कार्बन बैलेंस हो गया। उसी तरह अगर देख लेते हैं अगला हाइड्रोजन्स का, हाइड्रोजन्स का अगर हम देखें तो इधर कितना है, ट्वेल्व है, और यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो टू है, तो अब यहाँ पर हम सिक्स दे देंगे तो सिक्स टू जा क्या हो जाएगा, ये ट्वेल्व हो जाएगा, तो ये इजिली बैलेंस हो गया। उसी तरह अब लास्ट एंड फाइनल, अब किसको बैलेंस करना है हमको, ऑक्सीजन्स को, तो ऑक्सीजन्स देख लेते हैं, पहले इधर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन्स मेरे पास कितना है। अगर इधर देखा जाए ऑक्सीजन्स तो सिक्स और सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस इधर कितना है, तो सिक्स वन जा सिक्स, यानी कि इधर हो गया एटीन ऑक्सीजन्स, ओके। इधर अगर देखा जाए तो एट ऑक्सीजन्स है, सिक्स प्लस टू यानी कि एट ऑक्सीजन्स है, तो हमको ऑक्सीजन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पर कुछ अगर चीज़ को चेंज करते हैं, कोई भी अगर डिजिट डालते हैं, कोई भी चीज़ डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पूरा कार्बन और हाइड्रोजन्स का बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। तो हमको कार्बन और हाइड्रोजन्स का फिर से बैलेंसिंग नहीं बिगड़ना, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर चुके हैं। तो जो भी ऑक्सीजन्स को बैलेंस करना होगा हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, क्योंकि यहाँ पर डालेंगे इजिली तो ये पूरा इक्वेशंस बैलेंस हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन एकदम इजिली बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सिक्स है तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं सिक्स। अब यहाँ पर सिक्स लेने से क्या हुआ कि ये हो गया मेरा सिक्स और ये सिक्स टू जा ट्वेल्व, यानी कि ये भी हो गया एटीन और ये भी केमिकल इक्वेशंस इजिली बैलेंस हो गया, यानी कि इसको हम लोग इस तरीका से इजिली बैलेंस कर ले। तो हीट एंड ट्रायल मेथड्स में और भी, जैसे कि अगर हम लोग एक और बैलेंसिंग करने के लिए लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी फोर और ओ टू कंबाइन होकर अगर सी ओ टू प्लस एच टू ओ बनाता है, तो अगर देखें इसको सी एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हम ब्यूटेन ले लेते हैं और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। सी फोर एच टेन ओ टू गिव सी ओ टू प्लस एच टू ओ, वो काफ़ी ईजी हो जाता है मिथेन वाला। तो ये कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ही फेमस कंपाउंड्स है, जिसको कि फ्यूल्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, फ्यूल में हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको देखें, इसको अगर बैलेंस करें, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही ऑक्सीजन सिंगल है तो इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, सबसे लास्ट में। सबसे पहले इसमें कितना एलिमेंट्स है, टू है, इसमें भी टू एलिमेंट्स, इसमें भी टू एलिमेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहला बैलेंस करेंगे हम किसको, कार्बन को हाइड्रोजन्स को, ऑक्सीजन्स को लास्ट में। तो कार्बन इधर कितना है, फोर है, ओके, इधर कितना है, वन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, फोर। जैसे ही हम यहाँ पर फोर देंगे मेरा कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वन है तो सिक्स फोर वन जा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ओके। हाइड्रोजन्स कितना है, इधर टेन है और इधर हाइड्रोजन्स कितना है, तो इधर हाइड्रोजन्स है टू, अब इसको भी बैलेंस हम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फाइव का मल्टीपल, यानी कि फाइव लेते हैं, फाइव टू जा टेन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब फाइनली चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन्स बैलेंस है कि नहीं, इधर ऑक्सीजन्स कितना है, टू है, ओके, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स कितना है, फोर टू जा एट प्लस
फाइव वन जा फाइव, यानी कि इधर हो गया 13। अब 13 तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर अब 13 है तो अब लोग हम लोग यहाँ पर 13 नहीं डाल सकते हैं। 13 डालेंगे तो ये 26 हो जाएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि 13/2 अगर यहाँ पर हम डाल दें तो ये वैल्यू 13/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी जैसे कि हम यहाँ ले लें 13/2 × 2, ये 13 हो जाएगा, ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शंस को ऐसे केमिकल इक्वेशंस को लिखा नहीं जाता फ्रैक्शंस में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल जितना भी इक्वेशंस है उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। जैसे ही 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये फ्रैक्शन हट जाएगा। हमको फ्रैक्शंस को हटाना है, हमको वैसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर फ्रैक्शन हट जाए। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम 4 लेते हैं, यहाँ पर 6 होता तो 6 से मल्टीपल करते, अगर 8 होता तो 8 से मल्टीपल करते, वैसा डिजिट लेते हैं जिससे कि ये फ्रैक्शन हट जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C4H10 प्लस 13O2 गिव 8CO2 प्लस 10H2। अब देख लेते हैं इसको कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंसिंग देख ले तो कार्बन यहाँ पर 2, 4 जा 8, हमेशा चेक करते रहेंगे क्योंकि चेक करने से हमको मालूम चलेगा कि उसका आंसर ओरिजिनल में क्या है। 2, 4 जा 8, ओके गुड, यहाँ पर भी 8। हाइड्रोजन से अगर देखा जाए तो 20, 2, 2, 10 जा 20, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 10, 2 जा 20। ऑक्सीजन 13, 2 जा 26, यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं तो 8, 2 जा 16 और 10 यानी कि 26, यानी कि ये भी इक्वेशंस मेरा बैलेंस हो गया। इजीली इसको हम लोग बैलेंस कर लिए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इजीली इसको प्रैक्टिस करना है, इसको बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। बैलेंस अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस को करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग को लाइफ में भी बैलेंसिंग बनाकर चलना चाहिए, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग करना, कोई भी इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करते हैं तो उससे से मालूम चलता है कि कितना नंबर ऑफ आइटम्स और कितना नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स में और कितना नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट्स में। उसी अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स है। जैसे हम इसी इतना ही क्वेश्चंस हम पहले ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स भी लगा कर देखते हैं कि क्या ये बैलेंस होता है या नहीं होता है। तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स बहुत ही ईजी होता है। हाँ, उससे कोई भी क्वेश्चंस को बना देंगे, ईजिली बना देंगे, थोड़ा टाइम टेकन होता है लेकिन उससे कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए यही तीनों क्वेश्चंस को लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद नेक्स्ट फिर न्यू क्वेश्चंस को लेंगे। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्या क्वेश्चंस लिए थे, Fe=H2O give Fe4O3+H2। ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स में क्या करना होता है, इसमें हम लोग जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर का जितना भी एलिमेंट्स है कंपाउंड्स है उसके पहले ए और यहाँ पर बी और इस इधर क्या लगाएंगे एक्स और इधर क्या लगाएंगे वाई, एक्स और वाई, इसीलिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे, इसीलिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इक्वेट करते हैं, आयरन कितना है यहाँ पर 1 है तो ए इंटू 1 ये कितना हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर आयरन कितना है 4 है तो एक्स इंटू 4 यानी कि 4x। उसी तरह अगर ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितना मेरा है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे तो बी 1 जा बी हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है तो इधर हो जाएगा 3x, ओके। हाइड्रोजन को कितना है, इधर हो गया 2b और इधर कितना हो गया 2y। अब क्या होता है इस मेथड में हमको कोई भी किसी भी नंबर को किसी भी एक्स ए बी या एक्स और वाई मतलब दोनों में से कोई भी किसी को भी हम 1 ले लेते हैं। जैसे कि लेट ए इक्वल टू 1 अगर 1 मान लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4x यानी x इक्वल टू 1/4 हो गया, ठीक है। जब x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 × 1/4 यानी कि 3/4, b का भी वैल्यू आ गया, ओके। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू फिर से डाल देते हैं
टू इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, थ्री बाई फोर इजकल टू टू वाई, टू से टू कैंसिल यानी कि वाई इजकल टू थ्री बाई फोर, वाई भी वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू दिया ही था मान लिए थे हम, और ए हो गया बी हो गया, सब वैल्यू को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर यहाँ पर लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे ए का वैल्यू तो एफ ई प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू थ्री बाई फोर एच टू ओ है। उसी तरह अगर यहाँ पर x का वैल्यू देखा जाए तो कितना है, वन बाई फोर एफ ई फोर ओ थ्री प्लस, अगर उसी तरह y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो थ्री बाई फोर एच टू। अब सेम कंडीशंस मेरे पास फिर दोबारा से आ गया कि यहाँ पर ये फ्रैक्शंस में हो गया, और फ्रैक्शंस में कभी भी हम लोग छोड़ते ही नहीं है, कभी भी कोई भी कंपाउंड्स को हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ते हैं, अगर फ्रैक्शंस में छोड़ेंगे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, तो फ्रैक्शंस में हम लोग नहीं छोड़ते। तब हम क्या करेंगे, फोर है फोर है फोर है, सब कैल्शियम फोर हो गया, तो हम पूरा इक्वेशंस को लेकर फोर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए फी प्लस थ्री एच टू ओ गिव एफ ई फोर ओ थ्री, और यहां से हो जाएगा थ्री एच टू। इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गया, जैसे फोर एफ ई फोर एफ ई, और यहां पर थ्री एच टू थ्री एच टू, और एफ ई फोर एफ ई फोर ओ थ्री, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का हो जाएगा थ्री एच टू। तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस मेथड से भी हम लोग इजिली कोई भी रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशंस को लेंगे और इजीली हम लोग बैलेंस कर लेंगे। जैसे कि ये मीथेन वाला हम लिए थे, ब्यूटेन वाला, ब्यूटेन का अगर हम लोग फिर से बैलेंस करते हैं, ब्यूटेन को फिर से लेते हैं दोबारा, तो हम देख लेते हैं ब्यूटेन को हम फिर से देख लेते हैं कौन सा मेथड, ए बी इजकल टू एक्स वाई मेथड से। तो ए बी इजकल टू अगर एक्स वाई मेथड से हम लोग देखते हैं तो कैसे बनेगा, जैसे हमको इसको हम ले लेते हैं, फिर से हम क्वेश्चंस को इसको वापस लिख लेते हैं, सी फोर एच टेन प्लस ओ टू गिव सी ओ टू प्लस एच टू, ठीक है। अब इसको अभी हम लोग दोबारा बैलेंस करके देख लेते हैं, बैलेंस करते हैं और आंसर मिला लेंगे, इसलिए आंसर को हम मिटाएंगे नहीं, आंसर मिला लेंगे, देखेंगे कि दम सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो ठीक है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो वही ए बी इज्कवल टू एक्स वाई, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए इसको बी इसको एक्स और इसको वाई, एकदम सिंपली। अब यहाँ पर लेकर फिर से बैलेंस करेंगे, देख लेते हैं, अब अगर यहाँ पर हम लेंगे देखेंगे वैल्यू, कार्बन कितना है, यहाँ पर ए है फोर है, तो फोर इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ये फोर ए, ओके। इधर कार्बन कितना है एक्स है, तो इज्कवल टू एक्स, ओके। नेक्स्ट अगर देखते हैं हाइड्रोजन्स का, तो हाइड्रोजन्स इधर कितना है, ए है और ये टेन है, तो ये हो जाएगा टेन है, और इधर हाइड्रोजन्स कितना है टू वाई, टू वाई कैंसिल होगा, तो हम सिंप्लीफाई भी कर देंगे इजीली, यहाँ पर कितना हो जाएगा फाइव ए इज्कवल टू वाई। एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स यहाँ कितना है टू बी, और इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन्स कितना है, तो टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस वाई नॉर्मली, फिर वही काम लेट किसी को भी लेकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन, तो हम फिर से एक वो वन ले लेते हैं, अगर वन ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, ओके। और वाई का वैल्यू वाई इजकल टू फाइव इंटू वन यानी कि ये फाइव वैल्यू आ गया, ओके। अब जब ये मेरा क्या y का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 4 हो गया, और a का वैल्यू 1 दिया है, तो b का वैल्यू भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे। अब b का वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 2b इजकल टू टू, एक्स का वैल्यू कितना है तो 4 है, तो x का वैल्यू 4 उठा के यहाँ पर डाल देंगे, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू कितना है सर तो 5 है, तो ये हो जाएगा 2b इजकल टू 8 प्लस 5 यानी कि b का वैल्यू अगेन क्या आ गया 13 बाई टू, 5 और 8 13 डिवाइडेड बाई टू, 13 बाई टू अगेन आ गया। तो अगर फिर से हम देखें इस इक्वेशंस को, क्या ये बैलेंस हो गया, हाँ, यहाँ पर a का वैल्यू सी फोर एच टेन प्लस ऑक्सीजन्स, b का वैल्यू कितना है सर
थर्टीन बाई टू ओ टू गिव एक्स का वैल्यू कितना हो गया फोर सी ओ टू प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है तो फाइव एच टू फिर से वही आ गया मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे जैसे ही मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे तो ये मेरा इक्वेशन सेम टू सेम वापस आ जाएगा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंसिंग करने का सबसे अच्छा मेथड है कि ये भी इक्वल टू एक्स वाई मेथड से कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते लेंगे इजीली बैलेंस हो जाएगा। एक इक्वेशंस और लेते हैं एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं तब तक इसको कॉपी कर लेना है उसके बाद हम क्वेश्चंस और ले लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर हम लोग देखते हैं ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस और में जैसे कि हम लोग अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया का होता है NH3 अगर ये Cl2 से रिएक्शंस करेगा तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन्स। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है नाइट्रोजन्स गैस को प्रिपेयर करने के लिए जिसको हम को पढ़ना पड़ता है नाइट्रोजन्स गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इजीली इसको यूज करते हैं ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से अगेन से AB=XY मेथड्स या हीट एंड ट्रायल मेथड्स कोई भी मेथड्स को लगा सकते हैं। AB=XY मेथड से हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैथ को थोड़ा सा मैथ लगा देना थोड़ा मैथ का नॉलेज रखना है। AB=XY मेथड्स अगेन हम क्या करेंगे अगर क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि आंसर अपने से सॉल्व करना है कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करना है अपने से बैलेंस करना है फिर बाद में आंसर को मिलाना है ठीक है। ठीक है हम इसको बनाते हैं देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल के हम ले लें यहाँ पर तो फिर नाइट्रोजन्स है तो ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा और इधर नाइट्रोजन्स कितना है इधर एक्स है ओके तो एक्स हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा सर तो प्लस 2y, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a और इधर हाइड्रोजन्स कितना हो जाएगा तो इधर हाइड्रोजन्स 4x हो जाएगा ओके। अब लास्ट बचा क्लोरीन क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा ओके सर इधर कितना क्लोरीन के लिए हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब उसी तरह हम लोग जैसे पहले करते आए हैं कि a का वैल्यू को हम लोग 1 लेकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे कि हम लेकर सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट A=1 अगर जैसे ही A=1 डालेंगे तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और 1 दोनों का दोनों 1, 2, 3 अननोन वैल्यूज है अब एक डालेंगे तो मेरा 2 तो अननोन रहेगा। हाँ यहाँ पर डाल सकते हैं इजीली मेरा आ जाएगा वैल्यू ठीक है यहाँ पर डाल लेते हैं देखते हैं 3 × 1=4x यानी x=3y इसको ले जाकर डिवाइड कर देना ओके। उसी तरह अगर हम लोग देखें नेक्स्ट देखें कि अगर उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट क्या है जब यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे 2b=3/4 तो ये कितना हो जाएगा 2b=2 अब यहाँ पर हम देख लें तो b का वैल्यू 3/4 × 2 यानी कि 3/8 ओके यानी बी का वैल्यू मेरा आ गया 3/8। अब इसको मेरा क्या क्या वैल्यू आ गया एक्स का वैल्यू आ गया बी का वैल्यू और ए का वैल्यू दिया है अब इजीली हम लोग वाई का वैल्यू को निकाल सकते हैं यानी कि इक्वेशंस 1 से इसको हम 1 मान लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 अगर 1 से अगर हम वैल्यू को निकालें इजीली आ जाएगा। अब क्या करते हैं सर यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 1 डाल लेते हैं ओके। एक्स का वैल्यू 3/4 डाल दिया गया वाई का वैल्यू कितना दिया है वाई का वैल्यू तो वाई का वैल्यू ही तो निकालना है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 2y। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4=2y। अब यहाँ पर नॉर्मल एलसीएम ले लेना है दोनों का एलसीएम ले लेंगे ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4-3=2y। तो ये क्या हो जाएगा यानी 4-1 1/4=2y ये जाके इसको डिवाइड कर देना है तो y=1/8। जब सब वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ पर डालेंगे और चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है फिर से हम लोग लेकर चेक करते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर फ्रैक्शंस में आएगा तो अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शंस में कुछ वैल्यू आया भी है तो सर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा
अब मल्टीप्लाई भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब वहाँ पर वैल्यू को डालेंगे, ए का वैल्यू 1 है तो एन एस 3, ये तो वैल्यू 1 है तो इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बी का वैल्यू 3/8 Cl2 गिव, क्या दिया, दिया गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिला है, 3/4 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1/8, तो 1/8 y का वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर LCM लेंगे। अब मेरा नीचे क्या है, अगर नीचे हम देखेंगे तो 8 है, 4 है और 8 है, तो 8 4 और 8 है। तो अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8 LCM लेंगे, दोनों का हम लोग LCM ले लेंगे। दोनों का सर LCM लेंगे तो नॉर्मल 8 और 4 का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर जाएंगे तो 2 1, यानी कि 8 हो जाएगा LCM। तो पूरा इक्वेशंस को हम लोग 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशंस को, अब मेरा इक्वेशंस क्या मिल जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8NH3 प्लस 3Cl2, ओके। और यहाँ पर सर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं 3/4 × 8 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि 6, तो 6NH4Cl, और यहाँ पर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन्स। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अगर इक्वेशंस को हम देख लेते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं बैलेंस हुआ है कि नहीं। नाइट्रोजन्स इधर कितना है, 8 है, ओके। इधर नाइट्रोजन्स 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। नाइट्रोजन्स इधर बैलेंस है, इधर भी नाइट्रोजन्स 8 है, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स अगर देखते हैं, हाइड्रोजन्स कितना है, 8 3 जा 24। इधर हाइड्रोजन्स कितना है, 6 4 जा 24, ओके। लास्ट क्लोरीन, क्लोरीन देख लेते हैं इधर कितना है, 6, और इधर क्लोरीन कितना है, तो ये इधर भी क्लोरीन कितना है, तो अगर देखा जाए तो 6 1 जा 6, यानी कि ये भी इक्वेशंस इजीली हम लोग बैलेंस कर ले। इस मेथड से कोई भी इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद इसको बैलेंस करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं लास्ट, उसको भी वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके देखना है, सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि अपने से पहले सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आंसर को मैच करना है। उससे क्या होगा कि बैलेंसिंग करने आपको इजीली आएगा, बैलेंस बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। तो ठीक है, हम एक और अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ, जनरली इसको तो हम लोग प्लैटिनम लेते हैं, तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को कराया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया का होता है क्या फॉर्मूला है, NH3। अगर इसको हम लेकर ऑक्सीजन से प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो ये क्या दे देगा, तो NO दे देगा और बदले में H2O दे देगा। हाँ, जनरली रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं आगे जाकर, तो इसको हम लोग प्लैटिनम लेते हैं जो कि कैटलिस्ट होता है, जो कि रिएक्शंस का रेट को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, और ये प्रोसेस पूरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को भी बैलेंस करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, बैलेंस करना है, उसके बाद हम इसको बैलेंस करना सिखाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना, ओके। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या करेंगे, फिर से सर यहाँ पर नाइट्रोजन्स कितना है, ए है, ओके। इधर नाइट्रोजन्स, अगर इधर नाइट्रोजन्स हम ले तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक ही नाइट्रोजन्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, ओके। हाइड्रोजन्स इधर कितना है, 3 है, और इधर हाइड्रोजन्स कितना है, 2y, ओके। इधर हाइड्रोजन्स कितना है, ऑक्सीजन्स कितना है, 2b, और इधर ऑक्सीजन्स सर यहाँ पर x × 1 x, और इधर y × 1 y। फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को लेकर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इजीली। जैसे हम लेट a इज इक्वल टू वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, तो अगर 1 लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x का, तो x का ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा सर, x का ये वैल्यू 1। तो अब x का वैल्यू 1 मिल गया। अब यहीं पर हम लोग जब वैल्यू 3
ए, ए का वैल्यू तो मेरे को दिया है तो ए का वैल्यू को हम लोग लेकर डाल लेते हैं, थ्री इंटू ए का वैल्यू वन टू वाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री टू वाई, यानी वाई स्क्वल टू ये जगह डिवाइड हो जाएगा थ्री बाई टू, वाई भी आ गया। ओके, जब ये भी वैल्यू आ गया तब इस दोनों को एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू तो हम माने ही थे, तो बी का वैल्यू आ जाएगा टू बी स्क्वल टू एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू थ्री बाई टू, यानी कि टू बी स्क्वल टू यहाँ सेल्सियम टू डिवाइड कर देंगे वन से टू बार में, टू से मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, टू से वन बार में और थ्री यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा टू बी स्क्वल टू फाइव बाई टू और बी स्क्वल टू ये जाकर डिवाइड हो जाएगा तो फाइव बाई टेन। तो ए का वैल्यू आ गया, सबका वैल्यू आ गया, यानी कि सबका वैल्यू को लेकर फिर से अगेन हम लोग लेकर सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि वैल्यू क्या आया बैलेंस। इस रिएक्शन से हम लोग कोई, इस मेथड से हम लोग कोई भी इक्वेशंस को हम लोग इजीली बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशंस को इजीली, जैसे कि हमको ये बैलेंस करना था सर, ले लेते हैं ए का वैल्यू तो अमोनिया एन एच थ्री, बी का वैल्यू कितना आया फाइव बाई टेन, अगर ये फाइव बाई टेन नहीं फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फोर हो जाएगा, तो फाइव बाई फोर। अब यहाँ पर हम लेकर फाइव बाई फोर और क्या है ओ टू, ओके ये बदले में क्या दिया एनो, एक्स का कोएफिशिएंट वन तो एनो और एच टू ओ, एच टू ओ यानी कि यहाँ पर अगर एच टू ओ बात बोला जाए एच टू ओ यानी कि वाई का वैल्यू कितना दिया थ्री बाई टू। अब नॉर्मल से फिर एलसीएम हम लोग लेकर देख लेंगे कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, जैसे यहाँ पर एलसीएम ये फोर है ये टू है तो पूरा इक्वेशन को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, मल्टीप्लाई बाई फोर, जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू गिव फोर एन ओ प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर, यहाँ से काटेंगे थ्री बाई टू इंटू फोर, टू बार में थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स एच टू। तो देख लेते हैं फिर से अगेन बैलेंस हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं चेक करते हैं नाइट्रोजन्स का, नाइट्रोजन्स कितना है इधर फोर है ठीक है, इधर भी नाइट्रोजन्स फोर बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स कितना हो गया फोर थ्री जा ट्वेल्व और इधर हाइड्रोजन्स कितना हो गया सिक्स टू जा ट्वेल्व, यानी कि हाइड्रोजन्स भी बैलेंस। ऑक्सीजन्स लास्ट एंड फाइनली ऑक्सीजन्स कितना हो गया ये टेन फाइव टू जा टेन और इधर ऑक्सीजन्स कितना हो गया तो इधर भी ऑक्सीजन देखते हैं सर, यहाँ पर फोर वन जा फोर और यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स, यानी कि ये भी टेन बैलेंस। यानी कि इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशंस को हम लोग इजीली बैलेंस कर सकते हैं और ये बैलेंसिंग करने का एक सबसे बढ़िया मेथड्स होता है जिससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, देख लेते हैं एक लास्ट जिसको कि बनाकर एक कॉमेंट करना है, देखना है कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है, जिससे हम लोग को मालूम चलेगा क्या कितना आप सीखे कितना नहीं सीखे। ठीक है, हम उस क्वेश्चंस को लिख दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है जिसको कि बनाकर बैलेंस कर भेज रहे हैं, वीडियो को कमेंट करना है, कमेंट करना है नीचे कमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं एक क्वेश्चंस और, कोशिश करना है कि दोनों मेथड्स ट्राई करें, हीट एंड ट्रायल मेथड्स भी और ए बी इक्वल टू एक्स वाई मेथड्स भी, यानी कि दोनों में से कोई मेथड्स को आप लीजिए और उसके बाद कीजिए। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही ईजिली है, जैसे अमोनिया पर ही फिर से अमोनिया पर लेते हैं एन एच थ्री, अमोनिया क्या होता है ना जब भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शंस करता है, जैसे अमोनिया हो गया, अगर ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्शंस करेगा तो मेटल देता है और बदले में नाइट्रोजन्स गैस देता है और वाटर देता है, तो इसको बैलेंस करना है, कोशिश करना है कि इसको भी बैलेंस करके देखना है एकदम सेम टू सेम मेथड से। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, कोशिश करना है कि उसको भी, क्योंकि अपने साथ अपने दोस्तों का भी भलाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वो लोग भी बैलेंसिंग करना सीख पाए, इस मेथड से कोई भी क्वेश्चंस को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।